पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा किया गया यातायात माह नवंबर 2020 का शुभारंभ। मिर्जापुर अजय कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2020 को पुलिस लाइन के मनोरंजन कक्ष से यातायात माह नवंबर 2020 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ ही यातायात संबंधी नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों को पालन करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के सूत्र का सूत्रपात करने के लिए सभी को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट लगाने की हिदायत भी दी गई। यह भी बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करके ही वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक, भाषण व अपने प्रस्तुतियों से यातायात नियमों की जानकारी देते हुए नियमों को पालन करते हुए जागरूक किया गया। यातायात माह नवम्बर 2020 के दौरान जनपद के समस्त स्कूलों कॉलेजों में यातायात पुलिस व स्वयंसेवी समूहों के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, निबंध लेखन एवं अन्य आयोजनों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यातायात जागरूकता चेतना रथ द्वारा जनपद में भ्रमण कर आमजन को यातायात के नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही जनपद में एक्सीडेंट प्रोन स्थानों पर आवश्यक स्पीड ब्रेकरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। यातायात माह के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर व अपर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और उनके परिजनों को नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए बताया गया। आज से यातायात माह नवम्बर 2020 का शुभारंभ किया गया है और इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे प्रशासन के अधिकारीगण, हमारे संघा के अधिकारीगण, स्कूल के टीचर्स, बच्चे और सारे लोगों से क्या हमने देखा, उन्होंने कहने के जरिए बहुत बढ़िया सशक्तिकरण भी किया। कई लोगों ने यातायात प्रबंधन के बारे में बताया, ये पूरा माह यातायात के लिए से जिसके जरिए हम लोग सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि यातायात प्रबंधन अच्छा बना। दुर्घटना रोकने के लिए जैसे हमने आपको बताया था कि ये भी अग्नस लाए पहले लाएंगे जागृति स्कूलों में अन्य जगहों पर रिपोर्ट करेंगे, उनकी की कार्रवाई होगी, इंजीनियरिंग में अच्छा सुधार करेंगे और फिर मिला करके यातायात प्रबंधन सही रहेगा।